28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन जिन महिलाओं की संतान नहीं होती वे चंद्रमा के पूजन और अर्घ्य देने से संतान की प्राप्ति कर लेती हैं, और जिन महिलाओं के बच्चे बीमार होते हैं वे भी इस दिन कुछ उपाय कर सकती हैं ताकि उनकी संतान स्वस्थ और कुशल मंगल रहे। 28 अक्टूबर को, इस वर्ष 28 अक्टूबर को है, लग 27 तारीख को जाएगी। 27 अक्टूबर को पूर्णमासी तिथि लग जाएगी संध्या काल के पश्चात, क्योंकि 26 घड़ी तक हमारे यहाँ चतुर्दशी तिथि जा रही है और उसके पश्चात सीधा सीधा पूर्णमासी लग जाएगी। और पूर्णमासी हमारे यहाँ क्योंकि 60 घड़ी का एक 24 घंटा माना जाता है 60 घड़ी का, और संध्या काल के पश्चात भी, जब सूर्यास्त के पश्चात भी पूर्णिमा तिथि जा रही है 28 तारीख को, तो इसलिए जो शरद पूर्णिमा का जो व्रत होगा वो 28 तारीख को होगा। कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है 28 तारीख को होगा। अब 28 तारीख को हम लोग जो व्रत रखते हैं, व्रत की विधि क्या है? क्योंकि विधि तो ये है कि हम श्रद्धा से करते हैं, जो भी करते हैं, जो पूजा करना है, लेकिन जो मुख्य तो होता है कि वो होता है कि हम शरद पूर्णिमा को, पूर्णमासी कोई भी व्रत रखो पहले तो, लेकिन शरद पूर्णिमा जो विशेष है क्योंकि हम संतति पक्ष के लिए रखते हैं कि हमारी संतान हो, जो निसंतान बच्चे होते हैं, जो उनकी माताएँ जिनकी संतान नहीं होती है, वो संतानों के लिए रात भर दीपक अपने हाथ में लेकर के जलाते हैं भगवान शिवालय पर, है ना। ये तिथि और वैकुंठ चतुर्दशी दो त्यौहार ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ ये मनाया जाता है, जो निसंतान जो स्त्रियाँ होती हैं संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं, और जिनकी संतान होते हैं उनकी संतान दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, उस कामना के लिए व्रत रखती हैं। व्रत को कैसे रखा जाए, किस प्रकार से रखा जाए, इसका पूजन कैसे किया जाए? पूजन सामान्यतः जैसे हम लोग करते हैं गंधक्षत वगैरह सब कुछ, लेकिन संध्या समय कार्तिक पूर्णिमा को जो हम सूर्य को अर्घ देते हैं जिस प्रकार से, ऐसे ही चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के पश्चात उसको जो भी हम श्रद्धा से भाव से अपना अर्पित करते हैं, अर्पित करके फिर जो है व्रत को खोला जाता है। व्रत को खोलने से, अपने स्वयं को खोलने से पहले हम बच्चे को पहले खिलाते हैं। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम में पहले गृहस्थों को, पति को, उन पर अपने बच्चों को खिलाएंगे, प्रसाद तिलक देंगे और फिर स्वयं उस व्रत को हम खोलते हैं। ये इसका विधान है, सामान्यतः विधान। अगले नवंबर में जब वो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, नवंबर मास में, क्योंकि पूयो जो है हम चांद्र मास से उसको रखते हैं, तो चांद्र मास से नवंबर की जो पूर्णिमा उस पूर्णिमा इस पुण्य को नहीं, जो 28 तारीख को आने वाली पूर्णिमा इसमें नहीं, अगले मास नवंबर के जो महीने उस समय हम जो खीर की जो प्रक्रिया उस समय आती है। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।